देखिए राम सुंदर का पद है वो दास द्वारा रचित या उसके साथ से लिया गया है। इसलिए तो पाला पद है क्या वो समान बंधन हंगा ज्ञापी कृपा पंग लंघन अंधर को सब कुछ न था बाहर सुनने गुरु तुम बोला रंग चला की क्षेत्र धरा पूर्ण दास स्वामी प्रणाम है बार बार बंधो कृपा। इतने होरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों की वंदना करते लिख रहे हैं कि कमल चरण जन का कमल चरण बंधन है अविदारी भगवान श्री के कमल चरण बंधन कमल चरणों की वंदना करता होरदास जी कहते हैं भगवान श्री के कमल चरणों की वंदना करता ज्ञापी कृपा भगवान पंगु है पंगु जाना व्यक्ति है पर्वत को लांग सकता है जिस भगवान की दया से नर्मदा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है अंधा को सब कुछ दिखा अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखलाई देने लगता है। बाहर सुनने बारह व्यक्ति अपने कानून से सुनने लगता है गोप गुणा व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है राजा बनकर के अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। स्वामी करना है स्वामी दयालु स्वामी जिनकी कृपा से असंभव के असंभव कार्य भी संभव हो जाता है वैसे मुर्दा जी कहते हैं कर्णों में स्वामी दयामय स्वामी के रूप में पावस्वरों की बार बार वंदन बार बार वंदना करता हूँ। अब दूसरा पद लिखिए अभिजात जज का विकास में आवर है ज्ञान गुणगण नीचे फल तोड़ अंतर्गत ही भाव है परम स्वाद का बहुत से निरंतर अनित चोट बजाव है मन भानु को अगम होकर तो जाने को पावे रूप है सुगुण जाज मुझे निरालम सिद्धाव है तब भी निरम विचार है साकर पूर्ण सभी बदलाव है। इसमें पूर्ता जी कहते हैं अभिजन अभिजन अज्ञान जिसके विषय में कोई ज्ञात न हो अभिजन अभिजात अज्ञान अज्ञात में कुछ कहना कुछ कहते नहीं बनता वो राजी कहते हैं कि अज्ञात में कुछ कहते नहीं बनता क्यों जैसे भूमा जैसे भूमा व्यक्ति नीचे फल किसी नीचे फल के रहे तो अंतर का प्रभाव अपने हृदय के भीतर अच्छा लगता है जिस प्रकार भूमा व्यक्ति को नीचे फलकारों को अच्छा लगता है लेकिन वह बाणी के द्वारा उसका उपचार नहीं कर सकता उसी प्रकार अज्ञान कहने नहीं बनता परम स्वास्थ्य का बहुत निरंतर जो देखो परम ब्रह्म है स्वाद जो परम स्वाद जो परम स्वादी देखो ब्रह्म है सब अहित निरंतर सब लोगों के हृदय से ही जाते अमित अधिक संतुष्टि उत्पन्न करता है परंतु स्वाम सब लोगों के हृदय से भीतर अधिक संतुष्टि को उत्पन्न करता है मन वाणी को हम अगोचर मन और वाणी के द्वारा वो अहम है अगोचर जिसकी आंखों से देखा नहीं जा सकता वो जाने जो पावे जो वो जाने निर्गुण ब्रह्म को वही जान सकता है जो पावी को प्राप्त कर लेता है। रूप पढ़े सकुल जाति जो निर्गुण है रूप परे जाति जिन रूप बिना रेखाकार है बिना सुखकार बिना जाते जो कि बिना पानी का कोई उपाय का है निरालम सुझाव है निरालम होकर के बिना सहारा का होकर के जाने कितना रहने कितना कैसे रहना निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए न उसका कोई दुख है न रेखाकार का दुख है न कोई निर्गुण है न वह पुरुष है कौन जात है ये जीवन में पाने का कोई उपाय ही नहीं है
कितना क्या करना है, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बिना सहारा का होकर के कितना क्या करना है, कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर रूपक अलंकार।